आज हम पट चित्रण के बारे में बात करने वाले हैं। पट चित्रण लोक कला का एक ही रूप है। पट चित्रण परंपरा भारत के अनेक प्रांतों में देखने को मिलती है, जैसे बंगाल, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, चेन्नई, मद्रास आदि में पट चित्रण का कार्य किया जाता है। बंगाल के पट चित्रों को बनाने वाले कलाकार पटवे कहलाते हैं। इन पट चित्रों के बीच बीच में देवी देवताओं के चित्र, चारों ओर बॉर्डर में पशु पक्षियों का चित्रण देखने को मिलता है। बंगाल में कालीघाट के पट चित्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के पट चित्र परंपरा में उदयपुर के पास भीलवाड़ा, शाहपुरा में बहुत ही प्राचीन काल से पट चित्रण का कार्य देखने को मिलता है। इन पर भोपे चित्र बनाते हैं जो चारण जाति के होते हैं। ये भोपे इन चित्रों को गांव में ले जाकर सांझ को इन्हें खोलकर दो बांसों के सहायता से लटका दिया जाता है, टांग दिया जाता है और तथा इस पर अंकित कथा को गाकर बजाकर सुनाते हैं। साथ ही भोपी साथ पे नृत्य भी करती रहती है। इसे बाबूजी की फड़ भी कहा जाता है। इसी प्रकार देवनारायण जी, गोगा जी, रामदेव जी या रामकृष्ण की फड़ भी बनाई जाती है। बिहार में मिथिला में मधुबन नाम के गांव में पट चित्रण बनाने की परंपरा है, जो अब कागज पर भी बनाए जाने लगे हैं। इन चित्रों के विषय भारतीय पौराणिक कथाएं होती हैं, जो अधिकांश गांव की महिलाएं ही बनाती हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के पास में पैठण नामक गांव में पट चित्र बनाने की परंपरा है। इन पट चित्रों को चित्र काठी कहा जाता है और इनके विषय भी रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों पर आधारित होते हैं। चेन्नई में पट चित्रण का प्रचलन हमें मछली पट्टम नाम के शहर में देखने को मिलती है, जिसको कलमकारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी रामायण, महाभारत आदि धार्मिक विषयों पर आधारित चित्रांकन किया जाता है।